हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शुगर फ्री लड्डू। शुगर फ्री लड्डू बनाने के लिए ये हमने 100 ग्राम मखाने लिए हैं, और ये हमने 500 ग्राम खजूर ली है, और ये हमने 200 ग्राम खरबूजे की बीज हैं जो हमने लिए हैं, और ये सनफ्लावर के बीज हैं, और ये हमने बादाम लिए हैं 200 ग्राम, और ये हमने 100 ग्राम नारियल का कोकस के रख लिया है इस तरह से, और ये हमने 50 ग्राम पिस्ता लिया है, और ये हमने 200 ग्राम अखरोट की गिरी ली है, और ये हमने 50 ग्राम अलसी ली है। ये देखिए गाइस, हमने ली है एक कढ़ाई। अब हम इसमें करेंगे 1 चम्मच घी का इस्तेमाल, क्योंकि हमें इसमें घी बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। हमें ये बिना घी और बिना शुगर के बनाना है, ताकि बस हमारे मखाने अच्छे से भुन जाए। हमें इतना ही घी इसमें इस्तेमाल करना है। मखाना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारी जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, और इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है, और प्रोटीन भी होता है। ये देखिए गाइस, जब हमने इसको हल्की लो फ्लेम पर भून लिया है, और हमें ये भूनते समय हल्की आँच ही रखनी है, नहीं तो ये मखाने जल जाते हैं। ये देखिए गाइस, अच्छे से मखाने भून चुके हैं। हम इसमें डाल देते हैं पिस्ता। अब हम इन्हें भी अच्छे से हल्की लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेते हैं। जो बादाम का, अखरोट का, पिस्ते का जो मॉइस्चराइजर है, हम उसमें ही हल्का सा घी लगाकर भूनेंगे। हम इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो बहन भाई जो हैं उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। देखिएगा, ये अच्छे से भून चुके हैं। ये हम इसमें डाल देते हैं खरबूजे की गिरी, सनफ्लावर, अलसी। ये देखिए गाइस, हमने जो इसमें अलसी है, खरबूजे के बीज हैं, सनफ्लावर सीड हैं, जो हमने अच्छे से सारे बहुत ही हल्के मॉइस्चराइजर, हल्का सा घी लगाकर हमने इनको भून लिया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से भून चुके हैं, और ये चटकने की भी इनमें से आवाज आ रही है। गाइस, जो हमने एक कटोरी जो नारियल कस के रखा था, अब हम इसको भी अच्छे से सेक लेते हैं। हम इसे भी अच्छे से, नारियल जो है इसको भी अच्छे से हम सेक लेते हैं। ये देखिए गाइस, जो हमने गोला जो इसको अच्छे से सेक लिया है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, जब हमने इसमें मेहमान जिसमें डाल लिए हैं, और इस तरह से थोड़े थोड़े करके इस तरह से मोटा मोटा से हमें इनको कूट लेना है। हमने ये जो ड्राई फ्रूट है, इस तरह से मोटा मोटा इस तरह से इमाम जिस्ते में इसको कूट लिया है, और जो इस तरह से जो मोटे रह गए हैं, वो हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने जो गोले का बालूदा लिया था, जो हमने गोला कस के रखा था, वो हमने इस तरह से इसका बालूदा बना लिया है मिक्सी के जार में डालकर, और जो मखाने थे वो भी हमने इस तरह से बारीक पीस लिए हैं, और जो हमने ये बीज लिए थे कद्दू के, और ये खरबूजे के, और ये सनफ्लावर थे, और बादाम काजू, ये भी हमने सबको इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है, क्योंकि जो हम इसको मोटा मोटा कूटते हैं तो लड्डू इसके बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और हमें इस तरह से ही मोटा मोटा कूटना है। ये जो खजूर हैं, ये भी हमें इस तरह से इमाम रिश्ते में डालकर इन्हें भी हम इस तरह से ही इनका टेस्ट। गाइस, हमने खजूर को इस तरह से कूट लिया है, और ये हमने ली है 1 चम्मच घी। हम इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये लो फैट ही बनाने हैं, हमें ज़्यादा फैट का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम इनको भी अच्छे से भून लेते हैं इस घी के साथ में। इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है, और ये हमने जो इसमें घी इसलिए डाला है, ताकि जो हम लड्डू बनाए तो खजूर हमारे हाथों पे ना चिपके। खजूर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, ये देखिए। अब हम कर देते हैं गैस बंद। ये देखिए गाइस, जब हमने ये खजूर जो है, ये भी हमें इसमें ही डाल देनी है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हमें ये इस तरह से ही कुंचे की मदद से इस तरह से हमें इसे मिक्स करनी है, और जब ठंडा हो जाए तो फिर हमें इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए गाइस, जो हमने इसे इस तरह से कुंचे की मदद से जो हमने इसे मिक्स किया है, और जो अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है,
और अब हम इसे इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर लेना है। ये देखिए गाइस, हमें ये इतने बड़े लड्डू बनाने हैं, जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं मीडियम साइज के, हमें ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाने हैं। और हमें ये इस तरह से करते हुए ये हमें इस तरह से बना लेने हैं, बहुत ही आसान है बनाने। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिनके खून गाढ़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और ये बहुत, इसमें ऑयल भी नहीं है, बहुत ही कम इसमें घी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए गाइस, हमें इस तरह से इतना बड़ा लड्डू बनाना है, जैसे मीडियम साइज के बूंदी के लड्डू होते हैं, और ये हमें इस तरह से सभी लड्डू बना लेने हैं। और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, जिस बॉडी में थकान रहती है, कमजोरी है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और जिसका बहुत ज़्यादा खून गाढ़ा हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छे फ़ायदेमंद रहते हैं। और जो दिल के मरीज हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें कोई भी खा सकता है जो वेट लॉस करना चाहता है। ये देखिए गाइस, ये जो लड्डू हैं कितने अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। और ये हमने ये शुगर फ्री बनाए हैं और हमने इसमें बहुत ही कम, हमने 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करा है और हमने इसमें कोई ज़्यादा घी भी नहीं लगाया है। और ये हेल्थी भी होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये जिसके कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, थकान है, कमजोरी है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, उनके सब के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए, ये हमें इतना ही बड़ा बनाना है, जैसे कि बूंदी का लड्डू, हमें कुछ ज़्यादा भी बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि इतना जो बड़ा लड्डू होता है वो एक टाइम खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इतना बड़ा लड्डू बनाएं और खाएं। और जो अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें और बनाकर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।